नमस्कार। ल्हासा की ओर राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया है। यह उनकी पहली तिब्बत यात्रा जो उन्होंने 1929 से 30 में की थी, उस यात्रा का वर्णन है। उस समय पर भारत के लोगों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए राहुल जी ने यह यात्रा छद्म वेश में की थी, यानी भिखारी के वेश में छुप करके की थी। छद्म वेश होता है, आप किसी और का रूप धारण करके कोई भी काम करें उसे छुपे हुए रूप में उन्होंने यह यात्रा की थी। तिब्बत की राजधानी है ल्हासा, और ल्हासा तक पहुंचने के रास्ते बहुत ही दुर्गम हैं। दुर्गम क्या होता है, यानी कठिन। कठिन होने के साथ साथ राहुल जी ने इन रास्तों का वर्णन जो है बहुत ही रोचक तरीके से अपने इस यात्रा वृतांत में किया है। जब राहुल जी ने यह यात्रा की थी, उस समय फ्री क्लिंगपोंग का मार्ग नहीं खोला गया था, इसलिए भारत से जो भी सामान तिब्बत जाता था वह पहले नेपाल जाता था, फिर तिब्बत तक ले जाया जाता था। इसलिए जो रास्ता था सामान ले जाने का, उसे व्यापारिक रास्ता भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि सामान ले जाने वाले रास्तों को व्यापारिक रास्ते कहते हैं, रूट्स कहते हैं, जैसे सिल्क रूट था। मार्ग में स्थान स्थान पर चीनी सेना की चौकियां बनी हुई थी और किले बने हुए थे, जिसमें चीनी सैनिक और उनकी पूरी पलटन रहती थी, टुकड़ियां रहती थी सेना की। किंतु आजकल वे दुर्ग गिर चुके हैं और उनमें किसान रहते हैं। राहुल जी को मार्ग में यात्रा के समय पर काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहाँ पर जातिगत भेदभाव नहीं है और ना ही स्त्रियाँ वहाँ की पर्दा करती हैं, और वह यात्रियों के लिए खाना बना करके भी दे देती हैं, चाय भी बना देती हैं, यात्रियों का स्वागत भी खूब करती हैं। एक चीनी किले को जो ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था, वहाँ पर चाय पीने के बाद जब लेखक आगे बढ़ता है तो उसे राहदारी देनी पड़ती है। राहदारी क्या होती है? राह से गुजरने का कर। उसी दिन वे थोंगला के पहले के अंतिम गांव में पहुंच गए। वहां उनके सहायक सुमति के जान पहचान वाले कुछ लोग मिले। भिखमंगे के वेश में होने पर भी उन्हें अच्छी जगह रहने के लिए मिल गई थी। लेखक 5 वर्ष पश्चात एक यात्री के रूप में इस स्थान से गुजरा था, यानी 5 साल पहले भी वो यहाँ आए थे, किंतु तब उसे कोई अच्छी जगह नहीं मिली थी। यह वहाँ के लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। लेखक को जब सबसे खतरनाक मार्ग डांडा थोंगला पार करना था, तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान है डांडे, और यहाँ दूर दूर तक के मार्ग में दोनों ओर कोई भी गांव नहीं है। यानी आप जब रास्तों में चलते हैं, पहाड़ी रास्तों में, तो आपको दूर दूर तक कोई गाँव दिखाई नहीं देगा, और यहाँ पर डाकू भी रहते हैं और वह खून की परवाह नहीं करते हैं, ना ही सरकार का इसकी ओर कोई ध्यान है। हथियार का कानून न होने के कारण वे लाठी की तरह ही पिस्तौल बंदूक आदि रखते हैं, और यहाँ पर अनेक खून हो चुके थे। लेखक को खून की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वह भिखमंगे के वेश में था, यानी उसने अपना वेश जो था वो भिखारी का बना रखा था, ताकि वह डाकुओं की नज़र में ना आए। पहाड़ की ऊंची चढ़ाई और पीठ पर सामान लदा हुआ था। अगला पड़ाव भी उनका 16 से 17 मील की दूरी पर था। लेखक के सहायक ने 2 घोड़े लेने की सलाह दी। अगले दिन वे घोड़ों पर सवार होकर के दोपहर तक डांडे से ऊपर जा पहुँचे, यानी उस गांव से आगे जा पहुँचे। वहां हजारों मील तक पहाड़ी पहाड़ थे, और पहाड़ों पर कोई वनस्पतियाँ उगी हुई नहीं थी, यानी बिल्कुल खाली थे। सबसे ऊंचे स्थान पर देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींग और रंग बिरंगी कपड़े की झाड़ियों से सजा हुआ था। लेखक के साथ कुछ और घुड़सवार भी चल रहे थे। अब चढ़ाई कम हो गई थी और उतराई ज़्यादा हो गई थी, यानी ढलान शुरू हो गया था, और लेखक का घोड़ा थोड़ा सुस्त पड़ गया। इस कारण से वह अपने साथियों से पिछड़ गया था। आगे चलकर 2 रास्ते थे और लेखक दूसरे रास्ते पर चला गया। 1.5 मील आगे जाने पर पता चला कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है।
उसने लौटकर सही मार्ग अपनाया। कुछ दूरी पर वह अपने साथियों से मिल गया 4-5 बजे शाम के समय। वह उस पर लाल पीला हो उठा, किंतु लेखक ने घोड़े की धीमी गति का बहाना बना करके उसे शांत कर दिया। यानी सुमति को गुस्सा आ गया कि आप पिछड़ क्यों गए थे। लंकोर में वे एक अच्छे स्थान पर ठहरे। लंकोर एक गांव का नाम है जहां पर उन्होंने चाय और सत्तू खाया और गर्मा गर्म थुक्पा, कोई इनका पेय पदार्थ होता है, वो पिया। अंततः लेखक तिंगरी के विशाल मैदान में पहुंच गया जो पहाड़ों से घिरा हुआ टापू सा लगता था। यानी उसके चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ थे। उसमें एक छोटी सी पहाड़ी भी दिखाई देती थी। उसी पहाड़ी का नाम तिंगरी समाधि गिरी था। सुमति के अनेक यजमान थे, यानी सुमति के जो यजमान थे जिनके पास वह जाना चाहता था, लेकिन लेखक उसे जाने नहीं दे रहा था। हाँ, वे जिस गांव में रुके थे उसी गांव के यजमानों में वह गंडे बांट सकता है। सुमति को कहा लेखक ने कि आप अपने जो धागे के बने हुए मंत्र हैं वो उसी गांव में बांट दो। दूसरे दिन उन्हें कोई भरिया नहीं मिला, भरिया यानी भार ढोने वाला। वे सुबह की ओर ही आगे चल दिए। तिब्बत में 10-11 बजे तक धूप बहुत तेज हो जाती है और वे 2 बजे तक सूरज की ओर मुंह करके चलते रहे और उनका चेहरा जो था इस तेज धूप के कारण बहुत जल रहा था। तिब्बत की जमीन छोटे छोटे जमींदारों में बटी हुई है और हर जमींदार अपनी अपनी जमीन पर खुद ही खेती करता है, स्वयं ही खेती करता है, और वहाँ पर मजदूर भी मिल जाते हैं बेगार में। यानी कुछ उनको सामान और पैसे दे दिए जाते हैं जिसके लिए वो खेती कर देते हैं, और खेती का प्रबंध देखने के लिए किसी भिक्षु को भेज दिया जाता है। वह लेखक के भिखारी के वेश में होने पर भी उसे बहुत अच्छे से मिला। वहाँ उन्हें एक मंदिर में ठहराया गया। इस मंदिर में बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोतियाँ रखी हुई थी। यानी बुक्स पुरानी जो थी वो लिखी हुई थी हाथ से, और वो थी 103 की संख्या में वहाँ पर पुरानी बुक्स रखी हुई थी और वे बहुत ही मोटे अच्छे कागज़ पर लिखित थी। एक पोथी का वजन 15-15 किलो था। लेखक उनको पढ़ने में रम गया और वह चाहता था कि सुमति जो है अब वहाँ से लौटकर ना आए, यजमानों के यहाँ से लौटकर नहीं आए, क्योंकि अब उसे पढ़ने के लिए काफ़ी सारी बुक्स मिल चुकी थी। लेखक ने सरल भाषा में, व्यवहारिक भाषा में इसे बहुत ही रोचक और सुंदर बना दिया है अपने इस यात्रा वृतांत को। जैसा कि उन्होंने बताया कि हथियार और आदि रखने का कोई कानून नहीं है, फिर भी अपनी इच्छा से लोग लाठी की जगह पिस्तौल और बंदूक रखते थे। डकैत जानते हैं कि लोग सुरक्षा के लिए पिस्तौल या बंदूक रखते हैं और वे जो धनी आदमी दिखता है उसे लूट लिया करते थे। तिब्बत की जमीन छोटे छोटे जागीरों में बटी हुई थी। जब वह पहली बार गया तो भिखारी के वेश में गया और उसकी मुलाकात जो है एक बौद्ध भिक्षुक से भी होती है जिसे लेखक सुमति का नाम दे देता है, और सुमति उसके साथ साथ हर यात्रा में उसके साथ जाता है। जब वह यजमानों के पास जाता है तो उसे कुछ पढ़ने को बुक्स मिल जाती हैं और इस तरह से लेखक को पहाड़ों पर पैदल चलना पड़ता है, साथ ही अपना सामान भी खुद ही उठाना पड़ता है क्योंकि उन्हें भरिया नहीं मिलता है, भार ढोने वाला नहीं मिलता है। भिखमंगे के रूप में वो यात्रा करते हैं, इसलिए लेखक को हर जगह पर संदेह की दृष्टि से देखा जाता था और उनके मन में हत्या का और लूट का भय भी विद्यमान था क्योंकि स्थान स्थान पर डाकुओं का स्थान होता था और उनका जो आचार व्यवहार और वेशभूषा थी उस पर किसी को शक भी नहीं होता था, इसलिए उन्हें रहने के लिए भी अच्छा स्थान मिल गया था। इस यात्रा वृतांत में हम देख रहे हैं कि तिब्बत पहाड़ों में बसा हुआ एक देश है। वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और उनको काटती हुई अनेक जल की धाराएं बहती हैं। वहाँ के कुछ पहाड़ों पर हरे भरे वृक्ष ढके हुए हैं तो कुछ पहाड़ पर बिल्कुल भी वृक्ष नहीं है। कहीं कहीं थोड़ी बहुत भूमि जो है वो मैदानों की तरह है, समतल है, तो कहीं कहीं पहाड़ों से घिरा हुआ टापू सा लगता है। कहीं पहाड़ों के ढलान पर छोटे छोटे गांव भी बसे हुए हैं, कहीं पर सड़कें बनी हुई हैं। पहाड़ी की चढ़ाई कहीं ज़्यादा है तो कहीं
कम है। आपने भी कई यात्राएं की होंगी, तो राहुल का जो ये यात्रा वृत्तांत है उसमें हम देख रहे हैं कि उस समय पर आवागमन के साधन नहीं थे और उन्हें कई बार पैदल और घोड़ों पर ही यात्रा करनी पड़ी। जीवन में आने वाले दुखों का सामना करने से मनुष्य के जीवन में हिम्मत और शक्ति आती है। पहाड़ी यात्रा का वर्णन हमें ये भी बताता है। भारत में महिलाओं को पुरुषों से पर्दा करना पड़ता है, लेकिन तिब्बत में ऐसी कोई प्रथा नहीं थी। भारत में महिलाएं अपरिचित व्यक्ति को घर में नहीं घुसने देती, जबकि तिब्बती महिलाएं ना पर्दा करती हैं ना ही भयभीत होती हैं, बल्कि वे जो मेहमान आता है उसका स्वागत करती हैं और मुसीबत में अपनी रक्षा स्वयं करना वो जानती हैं। पाठ में बताया गया कि तिब्बत के पहाड़ों में निर्जन स्थान अधिक हैं, वहाँ पर हत्या का और लूट का भय बना रहता है। सुमति का स्वभाव थोड़ा लालची था, इसलिए वह यजमानों के पास जाकर के हफ्ता वसूल करने का जो था काम करता था।